नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। पुलिस की बड़ी लापरवाही से गई युवक की जान। राजधानी भोपाल के बजरिया थाना इलाके में पानी के विवाद में दो भाइयों के बीच लड़ाई हो गई, जिसमें झुमा झटकी में एक की जान चली गई। 8 दिन पहले ही छोटे भाई की हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। महिला शिकायत करने पति के साथ थाने गई, जहां पर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जहां मौजूद पुलिसकर्मी से एम्बुलेंस के लिए बोला तो उसने नाटक करने की बात कही। इसके बाद महिला ऑटो से अपने पति को अस्पताल लेकर गई, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। टीआई मेहताब सिंह ने बताया कि मकान नंबर 29 चांदबड़ के रहने वाले गगन श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय राम शंकर श्रीवास्तव प्राइवेट गाड़ी चलाते थे। मंगलवार को सुबह 7 बजे बड़े भाई से पानी को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों में झूमर झटकी होने लगी। तभी गगन शिकायत करने पत्नी के साथ थाने गए, जहां पर उनकी तबीयत बिगड़ गई। इस पर LVS जाने की बात कहने लगे तो वहां से ऑटो करवाकर LVS अस्पताल भेज दिया गया, जहां से उन्हें हमीदिया रेफर कर दिया। हमीदिया आने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामला दर्ज करके जांच कर रही है। PM रिपोर्ट आने के बाद मौत की स्पष्ट वजह का पता चल पाएगा। पुलिस ने बड़े भाई को हिरासत में ले लिया। वहीं रीवा शहर की विश्वविद्यालय पुलिस ने लग्जरी कार से नशे की तस्करी करने वाले चालक को दौड़ाया। हालांकि चालक तो पुलिस के हाथ नहीं लगा, लेकिन कार व नशे की खेप को जब्त कर लिया। पुलिस का कहना है कि एक मुखबिर से नशे की सप्लाई होने की जानकारी आई थी, ऐसे में तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए घेराबंदी की। इसी बीच चालक की सीट में बैठा युवक भागने लगा। पुलिस के काफी पीछा करने के बाद भी तस्कर नहीं मिला। वहीं संदिग्ध कार की तलाश में डिग्गी के अंदर से 2 कार्टून और एक काले रंग के बैग दिखे गए, जिसमें 327 cc नशीली का सिरप बरामद की गई। इस मामले में धारा 8, 21, 22 NDPS एक्ट एवं 5/13 मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट की कार्रवाई की गई है। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।